अलैकुम, क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये क्लास सोइम का उर्दू का लेक्चर है। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में हम मजमून पढ़ेंगे डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, वर्कबुक सफ़ा नंबर 53। हम अलामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे कौमी शायर थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत से काम किए, उन्होंने हमारे लिए शायरी की, उन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। अलामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, मड़े काली सियालकोट से एफ़ए पास किया, लाहौर से एमए किया और आला तालीम के लिए जर्मनी और इंग्लिस्तान का सफ़र किया, जहां से कानून और पीएचडी की डिग्री हासिल की। वतन वापस आकर आपने मुसलमानों को ग़ुलामी से निजात दिलाई। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब अलामा इकबाल ने देखा था, जिसे कायदे आज़म ने अपनी जदोजहद से पूरा कर दिया। अलामा इकबाल को बच्चों और नौजवानों से बहुत मोहब्बत थी। आपने फ़ारसी में भी शायरी की, बच्चों के लिए नज़में लिखी, मसलन बच्चे की दुआ, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब वगैरह। अलामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई और लाहौर में ही ये दफन है। ये था आज का मजमून डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल पे। आपने इसको अच्छे से लर्न कर राइट करना है, पहले वर्कबुक पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में, उसके बाद इसको आपने लर्न करके नोटबुक पे ज़ुबानी लिखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एवन नाइस डे।